फलदार पेड़ को लगा रही है आड़ू और पुल्लम लगा रखा, जंगली जानवर लुप्त तो हो चुके हैं। साथ ही यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर अभी लगाएंगे पेड़। 100 पेड़ तो मैं लगाने वाला हूँ अपने खेतों साइड। लाइन का मुख्य कारण भी शिक्षा भी है। अभी यहाँ टीका चंदन भी हो रहा है। तो काफी अच्छी सोच है यार आप लोग की। थैंक यू। पहले यहाँ सेब के पेड़ बहुत अच्छे लगते थे। सब मंदिर में लगेगी, खाद भी ला रहा हूँ मैं। बोलता वेलसन के मंदिर पहुँच गया। 100 पेड़ हो चुके हैं। आधे पेड़ के पौधे मैंने लगा दिए हैं, आधे मैडम जी लगा रही हैं। यहाँ साइड इतना बड़ा छेद हो रखा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार और प्रणाम, स्वागत है नामी ग्लेशियर के इन खूबसूरत वादियों से। आज हम लोग लगाने वाले हैं 100 पेड़। जी हाँ, सामने देखिए हरे वाले पूरे पहाड़ हैं और ऊपर साइड पूरे बादल छाए हुए हैं। सुबह सुबह चलते हैं दोस्तों मम्मी जी के पास। मम्मी जी अभी आंगनबाड़ी में है, पहुँच चुके हैं आंगनबाड़ी में। और यहाँ पर हमारी मम्मी जी अभी बहुत सारे फलदार पेड़ को लगा रही है और साथ फूलों को भी लगा रही है। फलदार वृक्ष लगा रहे हैं, आड़ू और पुल्लम लगा रखा फलदार। वैसे तो हमारे देश के सारे राज्य बहुत अच्छे हैं। भारत वर्ष हमारे देश का नाम है। नामिक गांव से मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सब लोगों को ये उपदेश देना चाहूंगी। हर एक व्यक्ति अगर हम अपना देश समझकर, अगर ये आने वाली पीढ़ियों को समझकर, हमारा देश हरा भरा रह जाएगा। और यहाँ पर पूरा मैरीगोल्ड लगेगा। चौमास में बहुत सारे घास लगते हैं ना, एकदम अभी निकालेंगे, कल परसों फिर से लग जाएगा। ये हरा भरा कहने का अर्थ ये नहीं कि झाड़ फेंक देना है, ये झाड़ हर सब साफ कर रहे हैं। तो ये रहा भाई आंगनबाड़ी का एक केंद्र। और आजकल तो बहुत ज्यादा सीलन भी आ रहा है अंदर, इतना सारा पानी जम रखा है। ये निकास टाइप का कुछ नहीं निकाल रखा कि जहाँ से पानी निकले, क्योंकि अपना क्षेत्र जो है बहुत बरसाती वाला है। और इस साइड देखो, इस साइड की दीवारों में कंडीशन देख सकते हैं। हमेशा जो है स्कूल में ड्रेस लगा के ही आते हैं। अभी भी देखो बरसात के दिनों में इतना ज्यादा सीलन आता है, अभी अंदर देखा मैंने, बहुत सीलन आ रहा है भाई। इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो इनको भाई अगर सीलन पकड़ गया तो इनको कितनी तबीयत खराब होगी इनकी। लगा लो, दो बच्चे आए हैं मेरा आंगनबाड़ी के। वृक्ष लगाना जरूरी है। लाभार्थियों से कहा हमने, कहा स्कूल भेजो बच्चों को, तो कहता है त्योहार आज बच्चों को नहीं भेज सकते हैं। जो ऑक्सीजन बच्चों के लिए उपयुक्त है आने वाली पीढ़ी में, जैसे बहुत से जंगली जानवर लुप्त तो हो चुके हैं, बहुत से ऐसे पेड़ वृक्ष खत्म काट काट के इन लोगों ने, मानवों ने जंगल काट काट के खत्म कर दिया है। तो खत्म नहीं करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं ताकि आगे की पीढ़ी अच्छा बन सके। कहावत है गधे के सिर से सिंह गायब। अगर पेड़ पौधे हम लोग नहीं लगाएंगे तो एक दिन हम लोग भी गायब हो जाएंगे। सायका बहन जी प्लीज अंदर जाइए, ट्रॉफी लाए, इनको सबको ट्रॉफी खिलाते हैं। और मम्मी सुनने में आ रहा है अभी यहाँ पर जो प्राइमरी में भी टीचर नहीं है। हाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ना। गंगा सिंह मेहर जी पढ़ा रहे हैं, रिटायर होने के बाद भी उनको सरकार ने वो कर रखा, क्योंकि यहाँ पर टीचर नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे यहाँ कोई टीचर नहीं आ रहे हैं, तभी जाके उनको मतलब सरकार ने बोला कि तुम ही थोड़ा पढ़ाओ करके ना। पलायन का मुख्य कारण ये भी है ना कि जिनके बच्चे गरीब है, टीचर नहीं है। टीचर आएंगे तो पढ़ाई जरूर होगी, बहुत अच्छा पढ़ाई होगी। सही बात, जैसे अभी जूनियर की बात करी जाए तो वहाँ पर बहुत टीचर, वहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है, अच्छी होती है। और आंगनबाड़ी में अच्छी होती है। हाँ सही बात। प्राइमरी में एक मास्टर कितने बच्चों को हैंडल करेगा, वही तो दो तो होना चाहिए। लाइन का मुख्य कारण भी शिक्षा भी है। बहुत सारे लोग जो है शिक्षा ही है सबसे ज्यादा मुख्य कारण, और कुछ नहीं है। तो क्योंकि अब ये नए युग के लोग ऐसा चाहते हैं कि अपने बच्चे को हर फैसिलिटी मिले। तो जूनियर में तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती भाई, वहाँ पर मतलब सारे टीचर हैं। और प्राइमरी में कमी है क्योंकि एक टीचर बेचारा कितना देखेगा, अब वो रिटायर हो गए, फिर भी सरकार ने उनको लगा रखा है क्योंकि यहाँ पर आने नहीं चाहते टीचर। और साथ पहले मम्मी लोगों का भी सुनने में आ रहा था कि एक दो तक बच्चों को पढ़ाएंगे, बट क्या हुआ, ऑर्डर नहीं आया। तो ऑर्डर आएंगे, आएगा तो हम तन मन धन से सेवा करेंगे। तो सही कह रहे हो, बहू भी आए हैं पढ़े लिखे, और गांव में काफी युवा भी बहुत अच्छे जिन्होंने बीएड कर रखा है या पढ़ने में अच्छे हैं ना, आजकल की बहुएं भी सब पढ़ लिखी। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल आपकी सोच बढ़िया है। उम्मीद है कि जो बाल वाटिका वाला है, या अगर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने का मौका दें तो बहुत बढ़िया है। या साथ में अगर गाँव के लोगों को जो पढ़ने में अच्छे हैं वो यहाँ पर हेल्प कर देंगे तो बहुत बढ़िया है ना। तो काफी अच्छी सोच है यार आप लोगों की, बहुत अच्छा लगा। आंगनबाड़ी में एक बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने 2006 से आंगनबाड़ी में जुड़े हैं। अब कितना हो गया, 2024 तक पहाड़ा सुनाया था आपके ब्लॉग में ही। हाँ, एक बच्चे ने आंगनबाड़ी वाले बच्चे ने 20 तक पहाड़ा सुनाया था, बता लो, लगा लो भाई साहब। थोड़ा सा सरकार ज्यादा भी नहीं तो मजदूरी तो दे हमको। 3 साल से बच्चों को, 6 साल तक हमारे आंगनबाड़ी में रहे, पेट से 0 से जब पेट में रहता है तब से लेकर हम उनको संभालते हैं, आज इनके बड़ा पौधे लगाते हैं, इस तरह हम बच्चों को संभालते हैं। जैसे अभी छोटा पेड़ लगाया, धीरे धीरे समय के साथ तो बड़ा होगा ना।
और अगर परवरिश अच्छा रहेगा हाँ, तो और अच्छा आगे भी अच्छा रहेगा। पेड़ का जड़ छोटे पौधे जो पौधे हैं इनका अच्छा मजबूती होनी चाहिए। तो सरकार से विनती है कि नए नए प्रकार के चीजें दिया जाए हमको सिखाने के लिए, आगे बढ़ाया जाए, हमको भी आगे बढ़ाया जाए। थोड़ा मानदेय में ही न रख के थोड़ा तनख्वाह में डाला जाए। मानदेय से क्या होता कुछ अच्छा, मानदेय और तनख्वाह में अंतर होता है। हाँ मानदेय और आप लोगों को मानदेय मिलता है। हाँ मानदेय मतलब हम एक दिन स्कूल नहीं आता था, मान इज्जत समय तो भाई देखो इतनी मेहनत करते हो मेहनत बर्बाद, मतलब कुछ मेहनत का फायदा नहीं मिलता भाई। का भी हम पर ध्यान दिया जाए, इमरजेंसी में जाना होता है, एप्लीकेशन और छुट्टी काट के जाते हैं, वो छुट्टियों का हमको पैसा नहीं मिलता है। उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। पेड़ है तो पानी है जो हम लोग पीते हैं। आप सभी भारतवासियों से भारत के लोगों से तो पेड़ पौधे लगाए, पेड़ पौधे अधिक से अधिक मात्रा पर लगाने की कोशिश कीजिएगा। कच्ची लकड़ी है, कच्चे पेड़ है, इतने सुंदर पेड़ हैं, इन पेड़ों को तो नहीं काटना चाहिए। आजकल देखो इतनी गर्मी हो रही है, पहले नहीं होता था। पहले यहाँ सेब के पेड़ बहुत अच्छे लगते थे लेकिन अब नहीं लग रहे। क्यों नहीं लग रहा है? वातावरण गर्म हो गया है। तो भाई इनको तो कॉलेज में लेक्चरार होना चाहिए। अभी मैं अपनी मम्मी करके तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इनके अंदर की जो खूबियां है ना उनको देख के कह रहा हूँ भाई। तो भाई रास्ता देखो इतना खतरनाक है, रास्ता ना एकदम फिसलन वाला है, पूरा कीचड़ हो रखा है। इसमें से बच्चों को ले जाना पड़ता है भाई आंगनबाड़ी टीचर वाले। दोस्तों देखो फिर से अभी गेहूं सुखाया जा रहा है, वो होम स्टे पहुंच चुके हैं और हम लोग काला सिंह मंदिर पे जा रहे हैं, वहां पर लगाएंगे पौधे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताने के लिए क्या है, हम लोगों ने 100 पेड़ लगाने का वादा किया है। आज हम लोगों ने सोचा था कि 100 पेड़ हम लोग लगाएंगे अपने खेतों में, जहां पर बंजर खेत है, साथ में बाउंड्री में 60 ये हो गए हैं। 30 पेड़ हमारे माल्टा नारंगी के हैं, 90 हो गए और 10 पेड़ अभी 2-3 है और गए हैं। अरे लोगों ने अपने पेड़ों के टहनियाँ काट के फेंके थे तो सारे को मैंने इकट्ठा करके अभी इस प्रकार से पूरा टहनियों को पौधा बना रखा है। क्योंकि इसके जो टहनियाँ लगते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में बता रखा है कि उनके टहनियाँ मैंने 53 पौधे मैंने ऑलरेडी बंजर खेतों में लगा रखे हैं, तो ठीक उसी प्रकार हम लोग अपने गौशाला साइड इसको लगाने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था दोस्तों, मीटिंग हुआ था संस्था के द्वारा, यहाँ पर 100 पेड़ आए हुए थे। तो लगाते लगाते अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बालचंद बाबू जी के मंदिर में। बालचंद बाबू जी जो कि हमारे गांव के कुल देवता माने जाते हैं, तो यहां पर अभी गांव के अधिकतर महिलाएं आ चुकी हैं और साथ ही यहां पर सभी लोग मिलजुल कर अभी लगाएंगे पेड़। गांव के सभी महिलाओं के हाथों में आप लोग अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे देख सकते हैं जो कि यहां पर लगाना है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, साथ ही 100 पेड़ तो मैं लगाने वाला हूं अपने खेतों साइड। दादी पहले मंदिर में फूल वूल चढ़ाना पड़ेगा ना? हाँ, फूल चढ़ाएंगे और पिठा लगाएंगे, आज पौधा लगा रहे हैं यहाँ। साथ ही 100 पेड़ तो मैं लगाने वाला हूँ अपने खेतों साइड। अभी मैं जाऊंगा पहले यहाँ पर पेड़ लगा लेते हैं। अभी ये पौधे मुनस्यारी से आए हैं, ये हमारे बच्चे मुनस्यारी में हैं। हर मंदिर में कहाँ भी जहाँ जहाँ हमारा मंदिर है वहाँ लगा रही हूँ। अभी यहाँ टीका चंदन भी हो रहा है, यहाँ भेंट भी चढ़ा दिया। इमन प्रकृति अरे मालिका बहन, आप प्यारे बहन, हमारे तरफ से आशीर्वाद धन्यवाद है, आपने हमारे मंदिर में ये पेड़ दिया है, आप हमको भी हाथ थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू। मंदिर में पौधे लगाने से पहले हम लोगों ने देवी देवताओं को, हमारे जो कुल देवता है, बालचंद बाबू जी का आशीर्वाद ले लिया। उन पेड़ जिस संस्था के द्वारा आया है मुनस्यारी साइड से, तो उनका भी मैं दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा। थैंक यू। हाँ, आपको यहाँ पर चार धारे दिख रहे होंगे दोस्तों, ये तीन तो इतने तेजी से बह रहे हैं, ये वाला खाली थोड़ा बहुत दिख रहा होगा क्योंकि सीधे बालचंद बाबू जी का जहाँ पर शिवलिंग है ना फुटलिंग, वहाँ पर से पानी आता है भाई। अभी छोटा है तो पौधा है, बड़ा होगा तो पेड़ हो जाएगा ना। अब मंदिर में लगेगी पेड़ तो पौधा लगाएंगे, फिर बड़ा क्या होगा पेड़ बड़ा हो के। हाँ, ये खाद भी ला रहा हूँ, पौध के नीचे गड्ढे में डालेंगे तो वो खाद से अच्छा वो पौधा जल्दी से बाढ़ के क्या होगा वो पेड़। तो भाई लगेगा तब जाके यादगार रहेगा, बल सूख गया तो कहेंगे कि अम्मा ने खाली लगा दिया कहेंगे। आजकल के बहु सास के सास लड़ते हैं, सासु माँ खाद बोलेगा, बहु लोग कुर्सी में बैठेंगे, ऐसे जमाने हैं। हम लोग अभी पहुंच गए हैं रायचंद बाबू जी के मंदिर पे, ये है गेट। बेटा रायचंद के मंदिर पहुंच गया, फिर हमने पेड़ लाना है, पेड़ लगाना है, मुनस्यारी से पेड़ आया यहाँ लगाना है, अंकिर करना है, हमारा बेटा ने लाया वहाँ से, फिर पेड़ लगाएंगे सारी
चौड़े किंदर से मंदिर में लगाएंगे बेटा सो मंदिर में लेनो आज महिला से जहे मन नान दिन से ना वो है ये लेते नहीं हो पर बोट लाल पर ठुल्लल वहाँ लगाया पेड़ ये हमारे नाते ने लाया वो मुंशियारी से वो मालिका बहन ने दिया जो ये पेड़ पौधे ला रहा है ये बच्चे ने लाया है मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आशीर्वाद उनको भी आशीर्वाद वो मेरे सामने नहीं है उनको तो मैं। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नंदा माई के मंदिर पे और महिलाएं भी आ गए हैं। आखिरकार दोस्तों 100 पेड़ हो चुके हैं, हम लोग अभी अपने गौशाला साइड आ गए तो यहाँ पर हम सभी को लगा रहे हैं। इसे हम लोग गुल काकड़ बोलते हैं, जंगली ककड़ी होती है। ये हरा है, ये कच्चा है, ये पीला हो गया तो ये पका हुआ है, अच्छा होता है वो। तो आधे पेड़ के पौधे मैंने लगा दिए हैं, आधे मैडम जी लगा रही है यहाँ पे। ये पूरा बाउंड्री अपना ही है, अपना गौशाला है। पसीने से अपनी हालत तरबतर हो गई है, बहुत ज्यादा पसीना आ चुका है क्योंकि 100 पेड़ लगा रहे हैं। अब कम से कम 10 पेड़ लगाना बाकी बचा हुआ है, 90 पौधे तो हम लोग ने लगा दिए हैं। गौशाले का हालत देखो भाई, सालम घास सड़ चुका है, यहाँ साइड इतना बड़ा छेद हो रखा है देखो, जिससे मतलब ध्यान नहीं दिया है ना तभी जाके हो रखा है, क्योंकि हम लोग रहते नहीं है पशुओं के साथ यहाँ। आज हमने लगा पूरे 100 पेड़। तो आज चलो इस वीडियो में 5000 लाइक कर देना है प्लीज, साथ में 1000 कमेंट कर देना आज के दिन, ठीक है। तो कल मिलते हैं दोस्तों आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम।